नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियाँ जितनी भी है, हम लोगों ने लगभग सभी जनजातियों को पढ़ लिया है। ये छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों का छठवां पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके किसके बारे में, तो खैरवार के बारे में, अगरिया के बारे में, नगेशिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खैरवार जनजाति की। खैरवार जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति समूह की प्रमुख जनजाति है। इनके मूल स्थान की निवास करें तो ये लोग खरियागढ़ में निवास करते हैं, जो कि कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में खैरवार जनजाति निवास करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोंदल कहा जाता है। ये जो खैरवार शब्द की उत्पत्ति है वो खैर शब्द से हुई है। खैर एक प्रकार का वृक्ष होता है, जिस वृक्ष से इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, कत्था निकालने का कार्य करते हैं, और इसी के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा? खैरवार पड़ा। डॉल्टन का कहना है जो गोंड खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं उन्हें खैरवार कहा गया। उसी प्रकार रसेल का कहना है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो रहने वाले चेरो और संथाल जनजाति के लोग हैं, वो लोग जब कत्था निकालने का कार्य करने लगे तो उन्हें खैरवार कहा। लेकिन ये जो खैरवार जनजाति हैं, ये लोग स्वयं अपनी उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्र से मानते हैं, और अपने उपनाम में सिंह लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो ये लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये लोग बिलासपुर में निवास करते हैं, सूरजपुर में निवास करते हैं, बलरामपुर में निवास करते हैं और सरगुजा में निवास करते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके अर्थव्यवस्था की। तो पलामू, हजारीबाग और सरगुजा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खैर वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए कत्था जो है इनके परंपरागत आजीविका का मुख्य साधन है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, इन लोग वन पे जाते थे, वहाँ से खैर वृक्ष की छाल से कत्था निकालते थे, उसे सुखाते थे और मार्केट में क्या करते थे, उसे बेचते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब इन लोग क्या करते हैं, अभी लोग मजदूरी करते हैं, वनोपज संग्रहण करते हैं और कृषि का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पिता की सत्ता होगी, पिता का वंश आगे बढ़ेगा। इनके समाज में विवाह के उपरांत जो वर और वधु होते हैं उनके लिए पृथक आवास बनाया जाता है। इनके जो विवाह हैं वो कौन कौन से हैं, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हट विवाह, सपलायन विवाह, विधवा विवाह और पुनर्विवाह। लेकिन इनके समाज में सगोत्री विवाह और दूध लौटावा विवाह की मान्यता नहीं है। सगोत्री विवाह की तो वैसे तो किसी भी जनजातियों में मान्यता नहीं है। आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में, ऐसा हो सकता है कि सगोत्री विवाह करते हों इन लोग, लेकिन किसी भी जनजाति में सगोत्री विवाह की मान्यता नहीं है। यदि हम दूध लौटावा की बात करें तो मतलब कि ममेरे और फफेरे भाई से, भाई बहन से इन लोगों की शादी नहीं होती है। इनके समाज में जब विवाह तय होता है तो विवाह के एक हफ्ते पहले ही इन्हें वधू मूल्य देना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। यूँ तो ये सभी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो इनके आराध्य देव हैं वो कौन कौन से हैं, सिंहबोंगा है, ठाकुर देव है, ग्राम बोंगा है, ये सभी हैं। आगे हम बात करते हैं इनके त्यौहार और मनोरंजन की। तो इन लोगों में जो प्रमुख त्यौहार है जो इस जनजाति के लोग मनाते हैं वो कौन कौन सा है, देखिए, कर्मा, फाग, दिवाली, नवाखानी, सोहराई, ये सारे फेस्टिवल मनाते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो भी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का जो फेस्टिवल है वो सभी प्रकार के त्यौहार क्या करते हैं, इन लोग मनाते हैं। इनके नृत्य की बात करें तो ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं, दिवाली के समय जदूरा नृत्य करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन लोग होली के समय पर कौन सा नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके जाति पंचायत की। इनका भी एक जाति पंचायत होता है जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है, महतो मांझी कहा जाता है। ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, जो क्या करता है, सभी धार्मिक और सामाजिक विवादों का निपटारा करता है। अब हम बात करते हैं अगरिया जनजाति के बारे में। तो ये लोग अपनी जो उत्पत्ति है वो वैदिक काल से जोड़ते हैं। इन लोग का ऐसा मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने पूरा अकेले अमृत लेने के लिए चतुर चाल चला था, और फिर क्या हुआ कि उस अमृत घट को असुरों ने चुरा लिया था। फिर अंततः ये हुआ कि जो विष्णु जी हैं उन्होंने स्त्री वेश धारण किया और असुरों से उस अमृत घट को चुरा लिया और वो भागने लगे,
जब वो भागने लगे तो राहु जो है, जो असुरों का मुख्य देवता है, वो क्या किया, उनका पीछा करने लगा। और उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो सूर्य देव हैं, उन्होंने राहु का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। जहाँ जहाँ राहु का जो सर है वो छत्रा के गिरा, वहाँ वहाँ असुर पैदा हुए। और इसलिए ये जो अगरिया लोग हैं या असुर लोग हैं, इन लोग अपना आदिदेव किसे मानते हैं, राहु को मानते हैं। वेरियर एल्विन का कहना है कि ये इनकी जो उत्पत्ति है वो अस्पष्टता के गर्त में है, फिर भी इनका खुद को असुरों से जोड़ना बहुत ही रोचक है। असुर जो है वो भारत की बहुत ही प्राचीन आदिवासी समूह है, जो कि भारत में कहाँ निवास करती है, तो भारत में ये मुख्य रूप से MP, झारखंड और आंशिक रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और UP, इस एरिया में निवास करती है। असुर को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है बीर असुर, दूसरा है बिरजीय असुर और तीसरा है अगरिया असुर। जो लोग बीर असुर वो हैं जो कि शक्तिशाली जंगलवासी हैं। यदि बिरजीय असुर की बात करें तो ये जो उपवर्ग है ये कहाँ निवास करती है, झारखंड में निवास करती है और स्वयं को रावण एवं महिषासुर का वंशज मानती है। थर्ड हम बात करते हैं अगरिया असुर, ये वही जनजाति है जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, अगरिया जनजाति की। ये जो अगरिया असुर है ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और MP में निवास करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर में। तो देखिए हम मैपिंग कैसे करेंगे इसका, यहाँ पर अगरिया जनजाति निवास करती है और यहाँ पर भी अगरिया निवास करती है। ये जो अगरिया जनजाति है ये द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। वेरियल एल्विन का मानना है कि ये लोग पहले गोंड की उपजाति हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में इन्हें पृथक जनजाति समूह मान लिया गया। ये जो अगरिया शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो अग्नि से हुई है। धौकनी के हिसाब से इस जनजाति को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो पथरिया अगरिया और दूसरा खूटिया अगरिया। अब ये धौकनी क्या होता है, तो धौकनी जो होता है वो या तो चमड़े की थैली होती है या धातु या बांस का बना एक नली होता है जिससे फूंक कर आग को सुलगाया जाता है। तो ये पथरिया अगरिया और खूटिया अगरिया क्या है, तो ये पथरिया अगरिया मतलब कि जब प्राचीन समय में इस जनजाति के लोग धौकनी के साथ, जब इन लोगों ने पत्थर का उपयोग किया, पत्थर का कैसे उपयोग किया, लोहे को रखने के लिए और लोहे को कूटने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे और धौकनी से आग सुलगा के उसे गलाते थे, तो वो जनजाति के लोग क्या कहलाए, पथरिया अगरिया कहलाए। जो दूसरा उपवर्ग है वो क्या है, खूटिया अगरिया। कुछ लोगों ने क्या किया कि खूटी गाड़, लकड़ी का खूटी गाड़कर उसमें लोहे को रखकर उसे पीटने का, कूटने का और पिघलाने का कार्य किया, किससे, धौकनी के साथ। धौकनी मतलब जिससे कि आग सुलगाया जाता है, ठीक है। तो जब वैसा उन्होंने काम किया तो वो क्या कहलाए, खूटिया अगरिया कहलाए। आगे हम बात करते हैं इनके भाषा या बोली की। इन लोग अगरिया बोली बोलने के अलावा हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी बोली भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके जीवन शैली की। तो अगरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, दूरस्थ वन में या पहाड़ी ग्रामों में निवास करते हैं। इनके घर में या उसके आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी की भट्टी हुआ करती है, जहाँ पर ये लोहा गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण करते हैं। इस जनजाति के लोग अनाज और सभी प्रकार के मांस खाते हैं, इवन ये लोग सुअर का भी मांस खाते हैं। अब हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो ये स्पेशली क्या करते हैं, ये लोग लोहा गलाने का कार्य करते हैं। अगरिया जनजाति के लोग, पत्थर में से लोहा निकालने की कला आती थी। ये क्या करते थे, पत्थर में से लोहा निकालते थे और लोहारों को दे दिया करते थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में इन्हें सिर्फ लौह निर्माण का कार्य आता था, लेकिन लोहे से वस्तु निर्माण का कार्य नहीं आता था। कालांतर में क्या हुआ कि इन लोग लोहा गलाने के साथ साथ लौह शिल्प का भी कार्य करने लगे, उससे कृषि उपकरण बनाने लगे, औजारों का निर्माण करने लगे। इसलिए इन्हें गोंडों का लोहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोंडों का लोहार कहा जाता है। इस समुदाय के लोग दशहरा में और फागुन माह में लोहा गलाने में जो भी प्रयुक्त होने वाला यंत्र होता है उसकी पूजा करते हैं। आगे हम देखते हैं इनके सामाजिक जीवन की। तो इनके समाज में उड़द दाल का विशेष महत्व है। जब भी कोई अतिथि सत्कार होता है, फेस्टिवल होता है या फिर विवाह होता है, तो इन लोग क्या करते हैं, उड़द दाल से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं।
विवाह की बात करें तो इनके समुदाय में सेवा विवाह, गुरावट विवाह, दूध लौटाव विवाह, ये सभी प्रकार के विवाह होते हैं। विधवा विवाह और पुनर्विवाह को भी मान्यता है। इनके समाज में वधु मूल्य भी दिया जाता है। इनका ऐसा मानना है कि विवाह के अवसर पर उड़द दाल का प्रयोग करना शुभ होता है और ये अपने वधु मूल्य में भी उड़द दाल, तिल और रुपए देते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इनके धार्मिक जीवन की, तो इनके जो आराध्य देव हैं वो कौन है? लोहासुर हैं। ऐसा ये मानते हैं कि इनका जो निवास होता है वो धधकती हुई भट्टी में होता है और दशहरे के अवसर पर इन लोग अपने आराध्य देव लोहासुर को काली मुर्गी की बलि देते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके नृत्य की, तो इन लोग कर्मा फेस्टिवल के टाइम कर्मा नृत्य, दिवाली के समय में पड़की नृत्य और विवाह के समय में क्या करते हैं? विवाह नाच करते हैं। लोक गीतों की बात करें तो इन लोग कर्मा, सुआ, फाग गीत, ये सारे जितने भी हिंदू लोक गीत हैं वो सभी गाते हैं, सारे त्यौहार, सारे हिंदू फेस्टिवल्स मनाते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके जाति पंचायत की, तो इनका भी एक जाति पंचायत होता है जिसके मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ये जो गोटिया होता है, ये जो जाति पंचायत होता है, ये विवाह विवाद, वधु मूल्य से संबंधी विवाद और अनैतिक संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उसका क्या करते हैं इन लोग? निपटारा करते हैं। अब हम बात करते हैं नगेशिया जनजाति की, तो नगेशिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी ऐसा ऐतिहासिक शोध नहीं मिला है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार ऐसा मानना है कि बहुत समय पहले क्या हुआ था कि एक नवजात शिशु को वन में फेंक दिया गया था, जिसकी रक्षा किसने किया था? नाग ने किया था। बाद में इस बच्चे को मुंडा जनजाति के लोगों ने पाल पोष कर बड़ा किया और यही कालांतर में मुंडा जनजाति का राजा हुआ। नाग से रक्षित होने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? नगेशिया कहा गया और इस जनजाति के लोग खुद को नाग का वंशज मानते हैं। लेकिन कुछ अन्य किंवदंतियाँ ऐसी है कि विद्वानों का मानना है कि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें नागबसिया और उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे इसे नगेशिया कहा गया। छत्तीसगढ़ में देखें तो ये कहाँ निवास करते हैं? तो इन लोग सरगुजा में निवास करते हैं, रायगढ़ में निवास करते हैं और जशपुर में निवास करते हैं। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर इन लोग निवास करते हैं, नगेशिया लोग निवास करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके उपजातियों की, तो नगेशिया जनजाति विवाह पद्धति के अनुसार तीन उपवर्गों में बटी हुई है। कौन कौन से उपवर्ग हैं ये? तेल्हा, धुरिया और सिंधुरिया। ऐसे लोग जिन लोग सगाई के बाद मांग में तेल लगाकर विवाह करते हैं उन्हें तेल्हा अगरिया कहा गया। ऐसे लोग जिन लोग धूल और टीका लगाकर विवाह करते हैं उन्हें धुरिया अगरिया कहा गया और ऐसे लोग जिन लोग मांग में सिंदूर लगाकर विवाह करते हैं उन्हें सिंदूरिया अगरिया कहा गया। ठीक है, इनके भाषा और बोली की बात करें तो इन लोग सदरी बोली बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके अर्थव्यवस्था की, तो ये लोग स्वयं को किसान कहते हैं। इसके अलावा ये लोग वनोपज संग्रहण, कृषि, मजदूरी, मछली पालन, ये सभी कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के, तो इनके समाज में इन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं और विशेष अवसर पर हंडिया शराब पीते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की, तो इनके समाज में शिशु के जन्म को ईश्वर की कृपा माना जाता है। मृतक की बात करें तो इन लोग मृतक को जलाते हैं और जो अस्थियां होती है उसे नदी में बहा देते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, जो देवार होता है जो कि तंत्र जादू पूजा करने वाला होता है, उसका जानकार होता है, वो पूजा करता है और दसवें दिन भोज कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की, तो इनके जो आराध्य देव हैं वो हैं गौरैया देव, धरती माता, अन्नकुमारी माँ। वैसे तो ये सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो हैं इनके विशेष आराध्य देव हैं। तो देखिए एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लोग कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो ये जो खैरवार जनजाति है कहाँ निवास करती है? बिलासपुर में, सरगुजा में, सूरजपुर में और बलरामपुर में निवास करती है। वहीं अगरिया जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? बिलासपुर में, सरगुजा में और रायपुर में निवास करती है। और जो नगेशिया जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में निवास करती है। कहाँ कहाँ? जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा में निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो तीनों जनजातियां हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में और भी जनजातियों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनसे रिलेटेड CGPSC में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।